हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले एक बजट पीसी जो कि मैंने बनाया है फोटो एडिटिंग के लिए, कोरल ड्रॉ के लिए, फोटोशॉप के लिए। आज जो हमने पीसी बनाया है गेमिंग के लिए नहीं बनाया है, बहुत शानदार बजट पीसी हमने बनाया है लेकिन बहुत लेटेस्ट कंपोनेंट के साथ में इस पीसी का बिल्ड हमने यहाँ पे किया है जो कि बहुत शानदार रहेगा। आप गेमिंग आप इस पे फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कस्टमर आकाश कुशवाहा मध्य प्रदेश सीहोर में रहते हैं, उनके लिए पीसी का बिल्ड हमने यहाँ पे किया है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर का बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद हम पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंप्यूटर बिल्ड का वह एक प्रोसेसर सीपीयू, तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i5 13th generation 13500। दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहता है, आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं रहती, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ग्राफिक्स रहता है, बहुत बड़े तरीके से आपकी वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग यहाँ पे करा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया इसकी कोस्ट अभी 23,500 रुपये 23,500 में भी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड, तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B760M DS3H Wi-Fi जो कि एक एंटी लेवल का B760 चिपसेट का मदरबोर्ड यहाँ पे रहता है और इंटेल के 12th जनरेशन और 13th जनरेशन के सीपीयू को यहाँ पे सपोर्ट करता है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे इन सीपीयू को हैंडल कर लेता है। और यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया DDR5 रैम को सपोर्ट यहाँ पे करता है, तो बहुत ही बढ़िया बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि वो शानदार रहेगा, इस सीपीयू के सामने इसके साथ में बहुत बड़े परफॉर्म यहाँ पे करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 15,000 रुपये 15,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम, तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है HPG की तरफ से आने वाली 16GB DDR5 6000 MHz की HPG लेंसर, एक बहुत बढ़िया रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि वो शानदार यहाँ पर रहती है। DDR5 रैम हमने इस्तेमाल की, साथ ही 6000 MHz की रैम इस्तेमाल की जो कि वो शानदार स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 5,000 रुपये 5,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का वो है SSD, तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है HPG की तरफ से आने वाली 500GB की NVMe SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है जो कि वो शानदार रहेगी, बहुत बढ़िया यहाँ पे स्पीड मिलेगी। साथ ही हमने NVMe फॉर्म का इस्तेमाल किया जो कि वो शानदार रहता है, बहुत बढ़िया सिस्टम आपको यहाँ पे बूस्टअप हो जाता है, काफी अच्छी स्पीड मिलती है चाहे आप गेमिंग करें या एडिटिंग करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 3,000 रुपये 3,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का वह है पावर सप्लाई PSU, तो जो PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है फ्रंटेक की तरफ से आने वाला 800W का एक बजट PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पर रहता है। बजट PSU यहाँ पे रहता है, अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है तो आप ये वाला PSU इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से सारे पार्ट्स के पावर को हैंडल यहाँ पे कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो PSU हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 1,500 रुपये 1,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट, तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है लैपकेयर की तरफ से आने वाला एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है, इसमें 4 फैन रहते हैं जो कि पूरी तरह से RGB रहते हैं, साथ इसमें रिमोट भी आता है, रिमोट से भी आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बजट केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि बहुत शानदार यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों जो केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी 4,000 रुपये 4,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर का बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनके टेक्निकल डिटेल्स फीचर और कॉस्ट हमने देख ली है। तो आइए दोस्तों हम पीसी को असेंबल करते हैं, देखते हैं कि असेंबल करने के बाद एक कैसा दिख रहा है। आइए दोस्तों
दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया इस पीसी को हमने बना लिया, इस पीसी को असेंबल कर लिया, काफी शानदार बना। अगर लुक की बात करते हैं जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी वजह से बहुत शानदार दिख रहा है, बहुत बड़ी आरजीबी इसमें आ रही है, बहुत शानदार यहाँ पे ये बना है। भाई दोस्तों भाई कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो जो कंपोनेंट हमने मेन जो कंपोनेंट है वो हाईएंड कंपोनेंट इस्तेमाल करके लेटेस्ट कंपोनेंट इस्तेमाल करके इस पीसी को बिल्ड कर लिया है। सिर्फ पावर सप्लाई में कंप्रोमाइज किया क्योंकि कस्टमर का ज्यादा बजट नहीं था तो हमने ये पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर दिया। अगर आपका बजट तो आप 650 वॉट की या 750 वॉट की पीएसयू भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस पीसी पे गेमिंग करना चाहते हैं, आपको इस पीसी को गेमिंग में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे कोई बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आरटीएक्स 3060 या आरटीएक्स 4060 ग्राफिक्स कार्ड लगा के एक बहुत बढ़िया पीसी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सेम कंपनी के साथ में बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी इस पीसी पे आपको 40 से 50 एफपीएस आराम से मिल जाएंगे। हालांकि जो पीसी हमने गेमिंग के लिए नहीं बनाया है, फोटो एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया था, जो कि जो काम इसमें बहुत बढ़िया यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके लिए आपको बजट 50 से 55 हज़ार रुपये है और ये वाला पीसी आप बिल्ड करना चाहते हैं तो सेम टू सेम पीसी बिल्ड कर सकते हैं, लेटेस्ट जनरेशन में पीसी बिल्ड कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट को आगे पीछे करके एक बहुत बढ़िया पीसी यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो पीसी या किसी भी तरह का आपके कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड लाल घटेश्वर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं जो हम आपके घर पर पहुँचा देंगे 3 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।